हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ क्या रही थी, सेकंड राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ क्या रहने वाली है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कम नंबर वालों को कॉलेज मिल गई और आप लोगों को कॉलेज नहीं मिली है। जिनके अच्छे नंबर थे उनको कॉलेज नहीं मिली है, कहाँ गलती करी है या आप लोगों को कॉलेज क्यों नहीं मिली है, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कम नंबर पर कैसे कॉलेज मिली है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ क्या रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सेकेंड राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनके 70 प्लस नंबर है उनको कॉलेज नहीं मिली है, बट जिनके 25 नंबर है, 26 है, 36 है, 41 है, 37 है, उन सभी को कॉलेज मिल गई। यहां तक कि अगर मैं बात करूं तो लास्ट 25 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज मिल गई है और 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई है, जिनके एग्जांपल मैंने मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों को दिया था। अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट यह है कि भैया हमें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज तो मिल गई है। सॉरी, तो अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल गई है उन्हें क्या करना है। अगर वो चेंज करवाना चाहते हैं तो आप अपवर्ड मूवमेंट में चेंज करवा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज नहीं मिली है वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग मेरे से करवा सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज कर रहे हैं अभी कि भैया हमें सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवानी है, क्या प्रोसीजर है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज नहीं मिली है उनके लिए 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हम जो है थोड़ा सा चार्ज करते हैं वो है 500 रुपये, जिसमें कि हम जब तक आप लोगों को या थर्ड राउंड काउंसलिंग तक हम आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे। और हमारा जो चांस रहता है वो यही रहता है कि कम नंबर पर भी हम किसी को कॉलेज अलॉट करवाने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया भी, हमने 25 नंबर पर भी कॉलेज दिलवाया है, ठीक है ना, और अच्छी कॉलेज दिलवाई है 25 नंबर पर भी, दौसा की बेस्ट कॉलेज है वो हमने दिलवा दिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे आप लोगों से कि जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड करवाना है वो जिन्होंने फर्स्ट राउंड करवा लिया है कॉलेज नहीं मिली है तो वो सेकेंड राउंड करवा सकता है, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड नहीं करवाया है वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड नहीं करवा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड करवाई है वो सेकेंड राउंड करवा सकता है, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड नहीं करवाई है वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड नहीं करवा सकता है, पहले उनका टोकन कटा हुआ होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर आगे बात करता हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो देखो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की मैं बात करता हूँ, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, एससी और एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो इनकी कोई कट ऑफ फिक्स नहीं है ना, कट ऑफ फिक्स नहीं है इसकी। पता है क्यों? क्योंकि 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई है, और अगर मैं बात करता हूं ओबीसी और जनरल की तो यहां 70 नंबर 72 नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो अभी आप ये समझ सकते हैं कि एससी और एसटी कैटेगरी में कम नंबर पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है, बट ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आप लोगों को ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आप लोगों को जो है वो 70-72 नंबर पर भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर। अब क्या करें भैया? तो देखो, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिनके 65 प्लस नंबर हैं उनको अब सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो है गवर्नमेंट कॉलेज कंफर्म है अलॉट हो जाएगी। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो 60 प्लस वालों को, ठीक है ना, 60 प्लस वालों को सेकंड राउंड में जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगी। प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज जिन स्टूडेंट्स के 45 प्लस हैं या 40 मान लो, एससी एसटी का तो कोई वो ही नहीं है, खेल ही नहीं है ना, एससी और एसटी का तो कोई वो ही नहीं है, इनको तो पता नहीं कितने भी नंबर पर मिल जा रही है कॉलेज, है ना, पता नहीं कितने भी नंबर पर मिल जा रही है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आरयूएचएस से ही, कि आरयूएचएस खुद की ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करती है, जैसे नीट में होता है ना कि भाई 520 पर ये कॉलेज मिलने की है या 520 पर आपको कॉलेज मिल जाएगी,
और इस तरीके से आरयूएचएस कभी भी अपनी ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करती है, सिर्फ स्टूडेंट्स के रिव्यू से ही हमें पता लगता है कि इतने नंबर पर लास्ट कॉलेज मिली है गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये कट ऑफ रही है। बट आरयूएचएस जो है खुद की ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेकेंड राउंड काउंसलिंग की, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको जो है 40+ नंबर वालों को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा और 60+ या 65+ वालों को गवर्नमेंट कॉलेज ईजिली मिल जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इससे कम नंबर वालों को भी कॉलेज हम दिलवाने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नंबर, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, और कैसे आप कॉलेज भर रहे हैं, कॉलेज का सीक्वेंस क्या रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को कॉलेज मिलती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों की जो ये सारा डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज हम किस तरीके से भर रहे हैं। तो अगर आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग हमसे करवानी है तो आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों के दे देता हूँ 9828306559, ये हमारे WhatsApp नंबर हैं। अगर देखो आपका मैसेज सीन नहीं हो रहा है एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे में, तो आप ये समझो कि आपका मैसेज बहुत नीचे के चला गया है ना, तो जब भी आपका नंबर आएगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये WhatsApp नंबर है, जिनको भी करवानी है वो इस पर WhatsApp पर मैसेज कर सकता है, और हमारा काउंसलिंग करने का चार्ज है वो है 500 रुपये। तो अगर आपको किसी को करवानी है तो आप करवा सकते हैं, और ये नॉन रिफंडेबल है, 500 रुपये जो हम काउंसलिंग करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है आपका, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पर मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए कि कौन सी कॉलेज भरनी है कौन सी नहीं भरनी है पता करना पड़ता है वो सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, और एक डाउट और रह गया आप लोगों का कि सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगी, है ना, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग आप लोगों की जो है 12 तारीख बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है, 12 नवंबर बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है, है ना। अभी फिक्स डेट नहीं है लेकिन 12 नवंबर को इसकी आप लोगों की रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है, तो 12 तारीख के बाद में कभी भी आप लोगों की स्टार्ट हो सकती है। जब भी होगी मैं आप लोगों को तुरंत YouTube पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।